गाइस, उम्मीद रखते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि हम आपको बलूचिस्तान की खूबसूरत वादियाँ दिखाएंगे, जैसे कि हमने डुमेरा क्रॉस किया गया, आपको सारा व्यू दिखाएंगे और ज़ियारत जहाँ पर कायद आज़म ने अपने आखिरी यौम गुजारे थे। और सारी भाई हमेशा की तरह अभी ये पहुँच रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी निकला हूँ घर से। ये हमारे साथ दूसरे भाई हैं, गुड डे। और मुझे तो आप सब जानते ही ऑलरेडी मैं कौन, और ये था ना भाई, हर कोई जानता है। हाँ भाई, तुमको सब जानते हैं, मेरी जान, सब जानते। ये बहुत ज्यादा जल्दी में बहुत खतरनाक रोड है। अताउल्ला भाई गुस्से हो रहे हैं कि वीडियो ना बनाए। क्यों ना बनाऊ, नहीं बनानी है मैंने। आप अपना काम करें सर, आप ड्राइव करें, अपने फोकस करें ड्राइव। भैया इस तो मोड़ो पे, भाई ये आप चेक कर सकते हैं कैसी खतरनाक मोड़ है, खतरनाक। और ये चाचू रोड साफ कर रहे हैं, मेहरबानी। जहाँ से हम होकर आ रहे हैं सारा ये रोड है। तस्वीर ले, आप उनके तस्वीर ले। और ये सब पहुंच गए, सानिर भाई भी पहुंच गए खैर से। तस्वीर ले। एक कैमरे काम ने तो वादा किया ये रोक नहीं जाएगा। ये हमने उधर सारा के ये मसौदा किया है, एक जामे तस्वीर लेके फिर सारा माला रखे निकालो। ये अपना इधर बोतल पर लड़ाई होगी, बैठ निकालो भाई। शबीर कैमरा देना नहीं देना इसको, नहीं देगा थोड़ा का वादा किसने पड़ेगा। ये भाई कराची से आ रहे हैं जो, ठीक है हम तो यहाँ पे ही रहते हैं, ये भाई कराची से आए हुए हैं बाइक पर ड्राइव करते हुए। खुदावंद इनको अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा खुश रहे। ट्रैफिक जाम है और फुल टाइम रश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे कि कराची से मैंने आपको दिखाया था, वो भाई लोग कराची से आए हुए थे बाइक पे, इतना ट्रैवल करके वो कराची से आए थे। किधर ट्रैफिक फुल टाइम जाम, फुल टाइम जाम है हर बार, एक बार नहीं। ये छोटा सा बाजार है ज़ियारत का। आपको कि हम ज़ियारत पहुँच गए, कल रात की ज़ियारत पहुँच गए तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से सुबह मैंने यहाँ पे सुबह 5 बजे लाइट आई है, तो जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ पर लाइट ख़राब हो गई थी।
फिर मैंने किसी के घर में मोबाइल अपना चार्ज किया और अभी वीडियो स्टार्ट करी, नहीं तो मैं घर से ही उनके स्टार्ट करता वीडियो, सुबह नाश्ता वगैरह सारा किया हम लोगों ने और अभी हम निकले हैं। अभी मैंने सोचा कि अभी बना लें और आपको दिखाएंगे जहाँ पर कायदे आज़म ने अपने आखिरी यूँ गुजारे थे। और साजिद भाई आज मेरे साथ पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने कहा यार आज मेरे साथ ही तू चल। ओके आपको आगे दिखाते हैं, बाकी वजह शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना है। सारी नीचे चेहरी लगी चेहरी चेरी के बाग हैं और सेब के, इंशाल्लाह जब चेरी पकेगी हम भी आए। और ये आप देख सकते हैं कायदे आज़म बाबा का स्टैचू बना हुआ है, बहुत फंटेस्टिक तरीके का बनाया हुआ है। और ये भी पहुंच गया यहाँ पे खैर से, नींद तो किसे नहीं आ रही, पूरी रात जगाया और हम ये पहुंच गए। और ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। आता हूँ यार क्या हो गया, खिंचवाते तस्वीरें। ये सारे हमारे साथ आए हुए थे और ये देखिए बाबा जी सलूट मार रहे हैं, ये सब खड़े। ये सामने पर आ गए, हम यहाँ पे रुक गए थे और आगे आपको दिखाते हैं ज़ियारत रेजिडेंसी जहाँ पर कायदे आज़म ने अपने आखिरी यूँ गुजारे थे। ओके आगे मिलते हैं, सामने है ये गेट है ज़ियारत। देखें आप बाबा ज़ियारत ने खाना खा लिया है, अभी आगे आपको सारी अपडेट देते हैं इंशाल्लाह, आगे मिलते हैं आप। ये होटल है जहाँ पर हमने खाना खाया, छोटा सा इलाका है और ये होटल है यहाँ का। अभी आगे आपको सारी अपडेट देते हैं, सारा जगह दिखाते हैं। अभी हम रेजिडेंसी के लिए निकलने लगे हैं। अताउल्लाह भाई कैसे जाना है ना अभी रेजिडेंसी? क्यों नहीं भाई। अच्छा चलो इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे, बाइक आ रही है इंशाल्लाह। हम निकल पड़े बाइक्स पर, खाना वगैरह खा लिया हमने, पहुंच गए यहाँ पे। गेट ही है वो, ये गेट छोड़ ये पहुंच गया। अभी अंदर जाके दिखाते हैं आप, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होनी है। हम अंदर इंटर हो गए, उन लोगों ने छोड़ दिया अंदर, तो ये हम अंदर इंटर हो गए आप लोग के सामने। ये है बाबा कायदे आज़म और अंदर से आज बंद किया हुआ है। बच्चों के साथ सब लोग एक एक और ये शबीर हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं और इनका तारुफ मैंने आपको करवाना था, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या हुआ?
और अभी हम ज़ियारत रेजिडेंसी से निकल कर और अभी ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये ज़ीरो पॉइंट है, हम जहाँ पर पहुँच गए यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये अल्लाह का नाम, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हम भी जाएंगे तस्वीर में। ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है और बड़ा फंटेस्टिक किस्म का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे फंटेस्टिक किस्म का है, आप देख सकते हैं सारे कैसे बैठे और बस अभी इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं और खुदा हाफिज़। अभी हम लोग बहुत थके हैं, अभी घर जाएंगे और अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।